गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत किनौरी। तो गाइस टाइम हो रहा है 10 बज रहा, तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही दूँ। तो कल रात से लगातार बारिश हो रही है, कुछ करने को नहीं है। और पता नहीं, 2 दिन बताया है बारिश ऐसी होती रहेगी। जिस दिन बारिश होती है उस दिन लगता ही नहीं दिन भी हुआ है। और फिलहाल आरुषि सोई है और मैं इसकी पहरेदारी कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैं पहरेदारी इसलिए कर रही हूँ कहीं यहाँ से नींद में उठ के कहीं बेड से गिर ना जाए, बहुत बार गिरी है यहाँ से तो इसलिए। और मैं हीटर सेक रही हूँ यार बैठ के, ठंड लग रही है, साथ में नज़ारे ले रही हूँ नज़ारे देख रही हूँ बारिश की, आते जाते लोगों को। और तो बारिश में कर भी क्या सकते हैं, है ना, ताका जाके कर सकते खिड़की से तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और मम्मी डैडी परी सारे ऊपर बैठे हैं किचन में। मम्मी लंच की तैयारी कर रही है क्योंकि 12 बजे डैडी को लंच चाहिए होता है इसलिए। और मम्मी लंच है पकोड़े वाली कड़ी, तो मुझे आती है बनाने, बट डैडी को मम्मी की हाथ की बनाई हुई कड़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जब भी कड़ी बनानी होती है तो मम्मी ही बनाते हैं। तो आज मेरी छुट्टी है, आज मैं बिल्ला हूँ और बारिश में बिल्ला रहने का यार बिल्कुल मन नहीं करता। कुछ ना कुछ करने का मन करता है बट क्या कर सकते हैं, ऐसे बारिश में कर भी क्या कर सकते हैं ना, खेत जाके खेत खोद तो नहीं सकते, तो यही रीज़न है। घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं सुबह सुबह उठ के, और 2 ही कमरे ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बाकी कमरे तो यूज़ होते ही नहीं, तो इसलिए ज़्यादा काम भी नहीं होता है और ज़्यादा गंद भी निकलता है। एक ही कमरे में गंद निकलता है वो ऊपर वाले कमरे में, तो वो कमरा भी बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, तो इसलिए हो गया सारा काम ख़त्म। बस मैं बिल्ली बैठी हूँ, अब फ़ोन कर करके सबको परेशान करती हूँ थोड़ी देर। ऐसी बात नहीं है कि कोई फ़ोन नहीं करता, बट ये होता है ना जब मुझे बात करनी होती तब सब बिज़ी होते हैं और मैं ही बिल्ली होती हूँ तो इसलिए अभी देखते हैं किसको फ़ोन करते हैं, फिर करती हूँ फिर बातचीत। फिर जब मैं ऊपर जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी आपको कि मम्मी ने कड़ी कैसे बनाया है। ये तो नहीं दिखा पाऊँगी कि रेसिपी, बट टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसे बनाया, बहुत टेस्टी बनाती है मम्मी। अभी तो मम्मी बना चुकी होगी तो मैं अभी तो जा नहीं सकती क्योंकि आरुषि सोई है यहाँ पे, कहीं मैं ऊपर चली गई शूट करती रही और ये यहाँ पर गिर गई तो फिर बस हो गया फिर काम, तो ये करके तो अभी मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। हे एवरीवन, तो मैंने आपको जैसे बताया था यार मैं किसी को कॉल करूँगी, तो मुझे कोई मिला नहीं, मुझे मम्मी मिली तो मैंने मम्मी से बात करना शुरू कर लिया और वीडियो कॉल में बात कर रहे थे हम। और मम्मी मुझे बोलते थे अगर यूट्यूब चैनल खोलूँगी तो कैसे बात करूँगी, तो मम्मी कह रहे थे और मम्मी से नहीं हो रहा था तो ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे। और किन्नौर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है और हमीरपुर में बारिश हो रही है, तो मम्मी मुझे स्नोफॉल दिखा रहे थे और मेरी सिस्टर ना मुझे चिढ़ा रही थी, हाथ में ले लेके दिखा रही थी कि देख अगर तू बर्फ़ को मिस कर रही होगी, तो ऐसे ऐसे करके बता रही थी मुझे और पूरा इंजॉय कर रही थी ये बर्फ़ में। और मम्मी कह रहे थे अगर तुझे भी याद आ रही है तो तू आ जा, तो यार अभी तो आई हूँ मैं ऊपर मतलब किन्नौर से, अभी चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, ऐसे तो क्या है जाने के लिए, बट फिर भी यहाँ पर भी देखना पड़ता है। और अभी मम्मी और ये दोनों घर के दूसरे साइड को खेत में गए, अभी मेरे को ना मेरी सिस्टर पूरा एक्शन करके दिखाएगी, अपना पूरा एंजॉय ले रही है बर्फ़ का, पूरे मज़े ले रही है, देखते रहना आप इसको पूरे मज़े ले रही है ये तो खैर इसकी मस्ती तो चलती रहेगी। और मैं अभी जा रही हूँ ऊपर लंच करने के लिए, मम्मी बोले उससे बात करते करते टाइम का पता नहीं लगा, टाइम कितना हो गया है और 1 बज रहे हैं, अभी लंच करते हैं, मम्मी बुला रहे हैं मुझे, तो चलिए चलते हैं। आपको साथ में दिखाती हूँ मम्मी की कड़ी और टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है, तो अच्छा ही बना है वैसे, मम्मी अच्छा ही बनाते, तो चलिए चलते हैं। हे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ ऊपर, अब मैं लंच कर रही हूँ, तो मम्मी की पकोड़े वाली कड़ी तैयार है तो करते हैं लंच, तो चलिए आइए आप भी करिए मेरे साथ लंच। हे एवरीवन, तो हमने लंच कर लिया है, अब मैं बर्तन धोने की तैयारी में हूँ, आग जलाया था और धुआं लग गया आँख में, तो जलन हो रही है आँख में। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई बारिश, और कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो अगर कुछ होगा शाम तक दिखाने के लिए तो शेयर करेंगे, अगर नहीं तो फिर इतना बारिश में कर भी क्या सकते हैं। फिर मैं बर्तन धो रही हूँ, तो चलिए
बर्तन तो मैं पहले सोच रही थी मैं बर्तन दूंगी, बट मैंने सोच लिया, फिर मैं सोच रही थी कि मैं एक बार सफाई करूँगी आप किचन की। हाल देख सकते हो बुरा हाल है, तो बारिश में ना किचन का ऐसा खराब हो जाता है, मैं क्या बोलूँ। तो चलिए पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर करते हैं। एक तो आग जलाइए ना, धुआं इतना निकल रहा है। चलिए साफ़ सफाई करके नीचे चली गई थी और टीवी देख रहे थे हम लोग, और मेरा एयरफोन यहाँ रह गया था, मुझे फ़ोन आ रहा था, मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया, बिना एयरफोन लगाए सुना मतलब आवाज़ नहीं आ रही है, और तो बिल्ली आ रही है बाहर। तो सारा काम कर लिया है, किचन में झाड़ू वगैरह कर लिया। दिन में मुझे दो बार झाड़ू लगाना पड़ता है किचन में, क्योंकि ना आग जलाते तो खुद ज़्यादा गंदा निकलता है। अभी मार्च में लगेगा किचन में काम, टाइल वगैरह बिछेगा और शेल पे वगैरह जो बने अभी की वो तुड़वा के तो दोबारा नए शेल पे लगेंगे। तो वो भी मतलब किचन में क्या मतलब पूरे घर में काम लगवाना है, और इससे पहले पहले दूसरे वाले घर में लगा हुआ था काम, तो बट अभी वहाँ सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो दीदी वगैरह भी परे शिफ्ट हो गए हैं, बस अब इस घर का रह गया। तो इस घर को बने हुए कम से कम 14-15 साल हो रहे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा इस घर को बने हुए, पर यहाँ पे कुछ कुछ काम ऐसा अनकम्प्लीट रह गया था, बस उसी को कम्प्लीट करना है। तो अभी जो ये शेल्फ वगैरह दिख रहे हो तो इसको तोड़वा के दोबारा न्यू शेल्फ लगवाना है, और टाइल वगैरह लगवाने हैं, मार्बल वगैरह बिछवाएंगे यहाँ पे। तो वो ब्लॉग भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी जब घर में काम लग जाएगा। तो वो इस करके अभी फिर जैसा है वैसा काम चला रहे हैं। तो मैं आपको दूसरा वाला घर दिखाती हूँ, अमरिंदे से दिखता है यहाँ से दूसरा वाला घर, तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो देखते। तो ये जो सामने वाइट पेंट किया हुआ घर दिख रहा है ना आपको, तो ये है हमारा दूसरा घर। तो कैसे लगा आपको मेरा दूसरा घर ज़रूर बताना। तो अभी ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बट अभी थोड़ी सी कम हो गई है, और सामने देख ही सकते हो कितना धुंध पड़ा हुआ है। अभी थोड़ा कम हो गया धुंध, अभी जा रही चिड़ियों को खाना नहीं मिल रहा। तो मैंने यहाँ बरंदे में ना थोड़ा सा चावल फेंका हुआ था, और उड़ उड़ के यहाँ पे आ रही है खाने के लिए, देखो। और काफ़ी सारे आए थे, बट मैंने जैसे दरवाज़ा खोला ना बाहर आने के लिए, वैसे सारे उड़ गए। और ये जो हिम्मत वाली चिड़ी है ना, यही सारे यहाँ पे और आधे वहाँ ऊपर बैठे हैं, आधे यहाँ पे है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और आधे यहाँ पे है ऊपर, यहाँ पे ये रहे, कितने प्यारे लग रहे हैं। और आपने देख लिया मेरा दूसरा घर भी, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से दिखता है, मतलब 10 कदम पे दूरी पे दूसरा घर है हमारा। और चाय बनाते हैं मम्मी डैडी के लिए, फिर मैं भी यार किचन में जाऊंगी चाय बनाते मम्मी डैडी के लिए। और कुछ खास नहीं है आज करने के लिए, तो मैं ब्लॉग की एंडिंग आज यहीं पे करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट ब्लॉग में
अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।